ये तस्वीरें कल उस वक्त की हैं जब रतन टाटा की अंतिम यात्रा निकल रही थी। इस दौरान पुलिस के जवान और शांतनु नायडू के बीच कुछ बातचीत भी होती है, जिसके बाद शांतनु नायडू अपना आई कार्ड भी पुलिस कर्मी को दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शांतनु को रोका नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अगर आपकी बाइक के लिए बैरिकेड हटाएंगे तो पूरी जनता अंदर आ जाएगी। दरअसल कल रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जिस वाहन से ले जाया जा रहा था, उसके आगे आगे शांतनु अपनी बाइक से चल रहे थे। इन तस्वीरों ने कल पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बता दें कि शांतनु नायडू को रतन टाटा के करीबी मित्र और सहायक के रूप में जाना जाता है। शांतनु नायडू एक सोशल एक्टिविस्ट, पशु प्रेमी, लेखक और युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। बता दें कि शांतनु नायडू का जन्म साल 1993 में पुणे में हुआ था। शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी सफलता बल्कि अपनी संवेदनशीलता की वजह से भी जाने जाते हैं। बता दें कि शांतनु ने अपने पशु प्रेम की वजह से सड़कों पर घूमने वालों कुत्तों की मदद के लिए एक संस्था बनाई थी। इसके जरिए उन्होंने कुत्तों के लिए एक विशेष डेनिम कॉलर बनाए जिन पर रिफ्लेक्टर लगे होते थे। इसी दौरान शांतनु की एक पोस्ट पढ़ने के बाद रतन टाटा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच दोस्ती हो गई। इस वक्त शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें रतन टाटा ने खुद अपने साथ काम करने को कहा था। यही नहीं, शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए टिप्स भी दिया करते थे। बता दें कि शांतनु नौकरी के अलावा गुड फेलोज नाम की कंपनी के मालिक भी हैं। वहीं रतन टाटा के निधन के बाद से ही आम जनता से लेकर नेता और अभिनेता तक दुखी हैं। लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से याद कर रहे हैं। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते, कितने बड़े बड़े आलिशान होटल एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगा योग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया, इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन एक रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल। अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के हैं। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा, क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुरला विधान चांदौली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया, ऐसा मेरे को फील हो गया, मन भावुक हो गया, मन भावुक हो गया। दरअसल रतन टाटा अपनी सादगी और अपने व्यवहार की वजह से लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। लोग उनके निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी क्षति? उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे।
तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। जी, जी, जी। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? किरीट सूरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बढ़िया आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ हाँ हाँ, मैं मेरा आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो यू नो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग, और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, हम मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे, तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, इंस्पिरेशन थे, और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है, हमेशा दो लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट इस आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा, क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? नो, ही वाज एजिंग, आई थिंक ही वाज 86। माय फादर आल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनसे उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं। कुछ किस तरीके से सर हेल्प करते थे, क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे, उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, आम जनता के लिए देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया, आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वॉज माई इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ, और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरी वन एडमायर्स। सबसे ज्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट इतनी सिंप्लिसिटी थी वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। रतन टाटा ने ईमानदारी और सादगी के साथ एक बेमिसाल जिंदगी जी, वे ताउम्र लोगों को ईमानदारी की सीख देते रहे। वहीं जब बीजेपी सांसद रवि किशन से रतन टाटा के निधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चंद लाइनों में रतन टाटा पर जो कहा वो आप भी सुनिए। एक गांव गवई के एक देहात के लड़के के लिए जो एक सपने लेके चलता है, रतन टाटा जी जैसे एग्जाम्पल हैं, आज वो सब उनको मिस कर रहे हैं, और उनसे एक सीख लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि ईमानदारी के रास्ते से आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो, जरूरी नहीं है कोई गलत काम आप जीवन में करें। और ऐसा बहुत बड़ी सीख कि पर्दा गिरने के बाद भी ऐसा चरित्र बने, ऐसा किरदार निभाए कि पर्दा गिर गया फिर भी ताली बजती रहे। तो जीवन में ऐसा करें कि जब आपके जीवन का पर्दा गिरे और लोग तालियां बजाते रहें।